सॉफ्ट स्पॉन्जी और एकदम ही फ्लेवरफुल केक बनाएंगे आज हम। टी टाइम केक है ये, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें मैंगो का। और आज हमने यहाँ पे मैदे का इस्तेमाल नहीं किया है और देखिए फिर भी कितना बढ़िया केक बन के तैयार हो रहा है। तो आज का केक है रवा मैंगो केक। नमस्कार, मैं स्वप्नाली प्रधान, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेरेस टू टेबल में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक सिंपल सी रेसिपी जो कि सबको पसंद आएगी और खासकर बच्चों के लिए। आज हम बनाएंगे एक ऐसा केक जिसमें ना तो मैदा है ना ही ऑयल है और इसे ओवन की जरूरत भी नहीं है, हम गैस पे बना सकते हैं। तो चलिए आज बनाते हैं मैंगो रवा केक। यहाँ मैंने सबसे जो बारीक रवा होता है ना, फाइन सूजी जो कहते हैं, वो मैंने ली है। अगर आपके पास नॉर्मल सूजी है जिससे हम लोग उपमा वगैरह बनाते हैं तो उसे मिक्सी में डाल के इस तरह से बारीक कर लेना है, क्योंकि हमें इस रेसिपी के लिए बारीक सूजी की ही ज़रूरत है। तो यहाँ मैंने एक कप बारीक सूजी ली है, उसमें मैंने आधा कप दूध इस्तेमाल किया है। अब हम उसमें ऐड करेंगे आधा कप दही, और ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स है वो सारे रूम टेम्परेचर पे होना ज़रूरी है, ठंडे इंग्रेडिएंट्स मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ। उसमें हम डालेंगे 3/4 कप मैंगो का पल्प, जो घर पे हम आम का जो पल्प निकालते हैं वही मैंने यूज़ किया है। तो 3/4 कप मैंगो पल्प यूज़ किया, 3/4 कप हम इसमें पाउडर्ड शुगर डालेंगे। अगर आपके पास पाउडर शुगर नहीं है तो आप चीनी को मिक्सी में डाल के उसकी पाउडर बना सकते हैं। और मैं छलनी से इस तरह से निकाल रही हूँ क्योंकि उसमें लम्स अगर होंगे तो मुझे वो नहीं चाहिए, तो इस तरह से मैंने इसलिए छलनी से निकाल ली है पाउडर शुगर को। हमारे मिक्सचर में हमें बिल्कुल भी लम्स नहीं चाहिए, तो इसका आपको एकदम खास ध्यान रखना है। अब मैं मिक्सचर को एकदम अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि सूजी जो है वो हम इसी तरह से छोड़ देंगे 30 मिनट के लिए यानी आधे घंटे के लिए, ताकि सूजी फूल जाए। तो मिक्सचर एकदम अच्छा होना चाहिए, लम्प फ्री होना चाहिए। और ये देखिए इस तरह से मेरा बैटर जो है वो बन के तैयार हो गया है। यहाँ पे मैंने 6 इंच का टिन लिया है और इस तरह से मैंने पार्चमेंट शीट काट ली है जो कि इसी के साइज़ की है। इसे मैं इसमें रख दूंगी और इसके ऊपर हम बैटर लगा लेंगे। अगर आपके पास पार्चमेंट शीट नहीं है तो आपको यहाँ पे बटर लगाना है और उसके ऊपर मैदा छिड़कना है, एक्सेस मैदा इस तरह से टैप करके डस्ट कर देना है और आपका टिन बन के रेडी हो जाएगा। अगर आप बटर पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बटर पेपर पे भी थोड़ा सा बटर लगाने की ज़रूरत पड़ती है। पार्चमेंट शीट जो है उस पर बिल्कुल भी कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पार्चमेंट शीट आप जस्ट डाल दो और टिन बन के रेडी हो जाता है। तो टिन आपको पहले से रेडी करके रखना है। 30 मिनट्स रेस्टिंग के बाद सूजी जो है वो थोड़ी फूल जाती है, तो इसे एक बार हम फिर से इस तरह से स्टर कर लेंगे एकदम अच्छे से। और अगर आपको लगेगा कि ये बहुत गाढ़ी हो गई है तो आप थोड़ा दूध मिला सकते हैं, लेकिन जो मैंने क्वांटिटी बताई उसमें दूध का इस्तेमाल करने के आपको एक्स्ट्रा मिल्क की यानी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ घी, तो घी को मैंने मेल्ट कर लिया है और फिर उसको रूम टेम्परेचर पे मैंने पहले उसका टेम्परेचर मैंने ड्रॉप कर लिया, यानी कि गर्म घी इसमें मैं नहीं डाल रही हूँ, रूम टेम्परेचर वाला मेल्टेड घी हमें इसमें डालना है। 1/4 कप जो होता है उसमें मैंने थोड़ा कम लिया है, यानी 40 ml मैंने लिया है घी। और घी को भी इसमें एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे, जैसे हम फेटते हैं ना किसी चीज़ को, वैसे हमें एकदम अच्छे से इसे फेट लेना है। इस तरह से बढ़िया बैटर तैयार हो जाएगा, इसे भी हम 10 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देंगे। अब तब तक हम ओवन की तैयारी करते हैं। अब ओवन तो यूज़ नहीं करने वाले, तो बर्तन ले लिया है, उसमें मैंने स्टैंड लगा लिया है और इस बर्तन को हमें हीट कर लेना है करीबन 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। अब ये हमारा जो बैटर है इसमें मैं 1 teaspoon बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ और 1/4 teaspoon बेकिंग सोडा डाल रही हूँ, और इन सब चीज़ों को एकदम हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा बैटर में बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाने चाहिए और बैटर आपका एकदम अच्छा फ्लफी दिखना चाहिए। बैटर को एकदम अच्छे से मिक्स होने के बाद आप एक बार चेक कर लीजिए ये पोरिंग कंसिस्टेंसी का है या नहीं, और फिर इसे आप टिन में पोर कर दीजिए। अगर नहीं है तो थोड़ा सा आप दूध उसमें मिक्स करके उसकी कंसिस्टेंसी प्रॉपर कर सकते हैं। इस तरह टिन में पोर करने के बाद हम उसे रख देंगे और इसे बेक करेंगे हम 30 to 40 minutes के लिए। लीड लगा दिया है मैंने, कवर कर लिया है उसे, इसमें से बिल्कुल भी एयर एस्केप नहीं होनी चाहिए। बेक हमें लो फ्लेम पे करना है। करीबन 40 मिनट हो गए हैं, अब केक को चेक कर लेते हैं। इस तरह से आप स्कीवर्स टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपके स्कीवर क्लीन है तो आपका केक बनके तैयार है, नहीं तो आप थोड़ा और 5-10 मिनट कर सकते हैं।
केक एकदम बढ़िया से ठंडा होने के बाद में ये देखिए इसकी पार्चमेंट शीट इतने आसानी से मैंने निकाल दी, और ये देखिए कितना बढ़िया सॉफ्ट स्पॉन्जी केक बन के तैयार है। मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ, एकदम स्पॉन्जी। और आपने देखा कि मतलब इसमें कुछ ज़्यादा एफर्ट्स नहीं है, मैंगो का फ्लेवर है, बहुत फ्लेवरफुल बनता है केक। ये देखिए कितना स्पॉन्जी और कितना बढ़िया केक बना है। ऐसा ही बढ़िया केक आप भी ज़रूर बनाइए। तो था ना ये केक बनाने में एकदम ही आसान, और देखिए कितना बढ़िया केक बन के तैयार हो गया है। ये आप टी टाइम के लिए भी आप खा सकते हैं या कभी भी खा सकते हैं। केक बहुत ही बढ़िया लगता है और इसमें जो मैंगो का फ्लेवर है वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर हमने इस्तेमाल नहीं किया है। ऐसे ही रेसिपीज के लिए मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ऐसी रेसिपीज आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसका नोटिफिकेशन बेल दबाइए, क्योंकि बेल दबाने के बाद ही आपको पता चलेगा जब मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा। थैंक यू।